हेलो दोस्तों, कार टेक्निकल वर्क में आपका स्वागत है। तो चलिए आज न्यू वीडियो लेकर आए हैं। गाड़ी है टाटा की मेगा एक्सल है जो कि स्टार्ट हो रहा है, और ट्रांसलेटर नहीं लेता है, लेता नहीं है और धुआं बहुत अधिक देता है। थोड़ी बहुत ट्रांसलेटर कभी कभी लेता है तो धुआं बहुत अधिक देता है, और इसमें चेक लाइट भी नहीं जल रहा है। चेक लाइट ना जलने के कारण कोई कोड भी जनरेट नहीं हो पा रहा है। तो इसके लिए हमने इसका टर्बो चेंज कर दिया। टर्बो चेंज करने के बाद फिर भी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुआ, और एक प्रॉब्लम और ये यहाँ देखिए, देखिए आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए लगा हुआ है सेंसर। सेंसर लगने के बाद ये गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रहा है। ये सेंसर मैं निकालूँगा, देखिए मैं सेंसर निकाल दूँगा, उसके बाद देखिए ये गाड़ी स्टार्ट हो गया। ये सेंसर निकालने के बाद गाड़ी स्टार्ट हो गया, और जब स्कैनर में कोई कोड भी नहीं आ रहा है, चेक किया तो कोई कोड भी नहीं बता रहा है स्कैनर में। तो देखिए लगाने के बाद, देखिए थोड़ी सी लगा देंगे तो कुछ कुछ आगे, देखिए धुआं देखिए कितना दे रहा है। धुआं बिना एक्सीलेटर दिए हुए इतना धुआं दे रहा है, बहुत अधिक धुआं। इसमें बहुत दिनों से मैं परेशान हूँ इसमें। ये देखिए इसको लगाने के बाद देखिए इसका आवाज़ में चेंजिंग आ गया है। तो चलिए वीडियो को देख बने रहिए देखने के लिए आगे, और हमारे इस चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो देखिए हमने फाइनली हमने बीमारी यहाँ पता चला कि इसका ये कॉमन रेल पर में प्रॉब्लम है। तो इसमें देखिए कॉमन रेल हम पर सेट ही नहीं मंगवा दिए हैं। देखिए पूरा सेट ही में हमने पूरा कॉमन रेल ही मंगा दिए हैं। कॉमन रेल देखते हैं इसको लगाकर, जिसे तो कंफर्म है कि इसी में प्रॉब्लम है। तो इसको हम लगाकर देखते हैं कि इसमें से ठीक हुआ कि नहीं हुआ। ये देखना बोस का है, पूरा ओरिजिनल सेम पुराना वाली भी इसी कंपनी का लगा हुआ था, जो उसमें कम गाड़ी में पहले से लगा हुआ था इसी का था, बोस का ही लगा था। तो चलिए हम आपको सेट करके एक बार स्टार्ट करके हम आपको दिखाएंगे। तो ये देखिए उन्हें पूरा कमांडल पूरा सेट कर दिए, थोड़ी बहुत एयर निकालना रह गया है, एयर निकाल कर फिर आपको स्टार्ट करके दिखाते हैं। तो ये देखिए हमारा एयर निकल गया, अब इसको टाइट कर देते हैं। देखिए हाँ टाइट हो गया, और अब स्टार्ट करके भी आपको दिखाते हैं। ये देखिए हमारा गाड़ी स्टार्ट भी हो गया, और कितनी अच्छी तरीके से स्टार्ट हो गया है। और फिलहाल अभी तो कुछ धुआं वगैरह भी नहीं दे रहा है, पर नॉर्मल जिस तरह से पहले था उसी तरह से अब हो गया है। अब गाड़ी हमारी बिल्कुल भी कंप्लीट हो गया है, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब ये देखिए हमने दोबारा गाड़ी रिस्टार्ट करी है, वो दोबारा भी स्टार्ट अच्छे तरीके से हो गया है। स्टार्टिंग भी ठीक हो गया है, कहीं धुआं भी नहीं दे रहा है, और एक्सीलेटर भी अब ले रहा है। गाड़ी में कोई प्रकार का प्रॉब्लम नहीं रह गया, और इसमें कॉमन रेल में प्रॉब्लम था, और कॉमन रेल में प्रॉब्लम होने के कारण कोड भी जनरेट नहीं होता है स्क्रीनर में, इसीलिए उसका कोड नहीं आ रहा था। थैंक यू वीडियो देखने के लिए। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना ना भूलिएगा।